आज की रेसिपी है गार्लिक ब्रेड जो हमने घर पे बनाई है एकदम मार्केट जैसी टेक्सचर में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, देखने में कितनी बढ़िया और कितनी शानदार दिख रही है। तो सबसे पहले हम फ्राई पैन लेंगे, तड़का पैन जिसे बोलते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। आप चाहो तो इसे पहले क्रश करके फिर इसे ग्राइंड कर सकते हैं बटर के साथ, लेकिन मैं थोड़ा इसे ऑयल में गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे फ्राई करूँगा, फिर इसे हम क्रश कर लेंगे फॉक की सहायता से। तो लहसुन अपनी एकदम परफेक्ट हो चुकी है, एकदम मस्त पक गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, बटर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया लगती है गार्लिक ब्रेड में। तो बारी आती है इसे मैच करने की। स्वाद अनुसार हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, लेकिन बटर में नमक होता है इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हमने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून से भी कम ऐड किया है। आपको इसी तरह से इसे तोड़ के एकदम परफेक्ट सा मैचिंग बना देना है, इस तरह का आपको टेक्सचर रेडी कर लेना है। तो मेरा टेक्सचर एकदम बन के रेडी हो चुका है। तो हम पहले लेंगे ब्रेड की स्लाइसें, मैंने 2 ब्रेड की स्लाइस ली है। आप चाहो तो इसके ऊपर एक डबल करके भी ले सकते हो, लेकिन मैं सिंगल सिंगल ले रहा हूँ। आपको अच्छे से गार्लिक ब्रेड वाला जो बटर है अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है, फैला देना है अच्छे से। इसी तरह से आपको दोनों ब्रेडों पे अच्छे से सब जगह फैला लेना है। दोनों ब्रेडों पे अच्छे से हमने गार्लिक बटर को अच्छे से फैला दिया है। अब बारी आती है मोजरेला चीज़ की। आप चाहो तो चीज़ क्यूब भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास मोजरेला है तो मैं मोजरेला ऐड कर रहा हूँ। आपको चीज़ की थोड़ी क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और जो ब्रेड की स्लाइसें हैं इसे हम ऐड कर लेंगे। पैन अपने पास बड़ा है तो इसके हिसाब से 2 ब्रेड की स्लाइस अच्छे से आ जाएगी। और आपको इसे मीडियम फ्लेम पर रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम करोगे तो नीचे वाला पार्ट है जल जाएगा, इसलिए आपको इसे कवर करके अच्छे से लो फ्लेम पे रख देना है। चीज़ अपनी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके लिए हम थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे तवे के हर साइड में, जिससे चीज़ अपना एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए तो चीज़ अपना एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है, देखने में कितना बढ़िया और मस्त शानदार लग रहा है। अब हम पिज्जा कटर की सहायता से इसे पतले स्लाइस में कट कर देंगे, एकदम मार्केट स्टाइल। आप चाहो तो इसे त्रिकोण में भी कट कर सकते हो, जैसा आपको शेप पसंद हो उस टाइप का आप कट कर सकते हो। मैं इसे पतली सी स्लाइस में कट कर रहा हूँ, ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो देखिए मैं आपको इसे तोड़ के बताता हूँ कितनी चीज़ी बनी है, एकदम मार्केट को भी टक्कर देने वाली। देखिए कितना चीज़ बड़ा है, मस्त लगती है, मुझे तो ये बहुत पसंद आई, मैं तो चला खाने। आप कब बना रहे हो? मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।